उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अखिलेश के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे दो धुर विरोधी नेता चुनाव के समय में एक साथ मंच साझा कर सकते हैं। परेशान मत होइए, हम आपको बताते हैं ये कैसे हुआ। दरअसल ये शख्स सीएम योगी नहीं बल्कि उनकी तरह दिखने वाले एक बाबा थे जिन्हें अखिलेश अपने साथ गोरखपुर से लेकर आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमशक्ल भगवाधारी वेश में था। ये शख्स बिल्कुल सीएम योगी की तरह ही दिखाई दे रहा था जिसे अखिलेश के साथ देखकर लोग हैरान और परेशान होने लगे। लेकिन कुछ देर बाद अखिलेश यादव ने ही उनकी असलियत से पर्दा उठाया। अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए जनता से कहा कि अब तो इनका भी समर्थन मिल गया, कुछ चाहिए आपको। अखिलेश ने कहा कि ये जा रहे थे गोरखपुर लेकिन हम इन्हें बाराबंकी ले आए। अखिलेश यादव शुक्रवार को जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अखिलेश ने कहा, बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ रहा है, आपको चौकीदार भी हटाना है और ठोकीदार को भी हटाना है। अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा है कि गठबंधन किया है तो जीत भी पक्की है। अखिलेश यादव ने शनिवार को भी ट्वीट करते हुए कहा, हम नकली भगवान नहीं ला सकते पर एक बाबा जी लाए हैं, ये हमारे साथ गोरखपुर छोड़ प्रदेश में सबको सरकार की सच्चाई बता रहे हैं। बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब योगी का हमशक्ल शख्स को अखिलेश यादव की मंच पर देखा गया हो। इससे पहले फैजाबाद की चुनावी जनसभा में भी अखिलेश के साथ मौजूद रहे। अखिलेश ने बाराबंकी में कहा कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर कमजोर प्रत्याशी लड़ाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि बोरी से चोरी हो रही है और नौजवानों की नौकरी चोरी हो गई है। जो लोग चाय वाला बनकर आए थे अब चौकीदार बन गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ लेते हुए अखिलेश ने कहा है कि ठोको नीति से कानून व्यवस्था ठीक कर रहे थे, बीजेपी के लोगों ने कोई वादा पूरा नहीं किया और विकास रोक दिया, साथ ही नफरत फैलाने का काम किया। बता दें कि अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ से है। अब देखना यह है कि यादवों के गढ़ आजमगढ़ में जीत किसको मिलती है। इसलिए बहुत सावधान रहना बीजेपी के लोगों से।